प्रिय जिज्ञासुओं, आज मैं आपके समक्ष मकर राशि वालों के लिए साप्ताहिक भविष्य दिनांक 23 से 29 अगस्त के मध्य का बतलाने जा रहा हूँ। मकर राशि वालों के लिए शनिदेव बहुत ही कठिन परिस्थिति में आपके जीवन को चला रहे हैं, खास करके स्वास्थ्य के संबंध है। स्वास्थ्य आपका बिगड़ रहा है, कर्म क्षेत्र बिगड़ रहा है और पिता का स्वास्थ्य भी बिगाड़ रहे हैं, स्वभाव भी बिगाड़ रहे हैं, खास करके यही चीज है। और जब यहाँ तो अपव्यय भी करा रहे हैं, सुख में भी बाधा पहुँचा रहे हैं और पत्नी का स्वास्थ्य तो स्वभाव भी बिगाड़ रहे हैं, चारों तरफ से घेरा डाले हैं शनिदेव आपके। ये शनि का प्रभाव और गुरुदेव आपको अपव्यय करा रहे हैं, यानी खर्च अच्छे कार्यों में हो रहा है लेकिन खर्च हो रहा है, यानी अपने जीवन के प्रतिष्ठा के लिए आप खर्च कर रहे हैं, ये भी ठीक उत्तम बात है। और खर्च के स्थान पर गुरुदेव है जो अपनी दृष्टि डाल रहे हैं, क्योंकि गुरुदेव आपके आपकी मकर राशि से मकर राशि से बारह में हैं, इसलिए खर्च अच्छे कार्यों में ही करा रहे हैं। इस प्रकार से मकर राशि वालों के लिए मंगलदेव क्या है, चौथे हैं, चतुर्थे कलहागमा, कलहकारी है, आपके भवन भूमि वाहन ऐसो आराम सुख सुविधाएं जो है उनमें बाधा पहुंचा रहे हैं, मकान संबंधी जमीन संबंधी कोई कार्य करे उसमें बाधा पहुंचा रहे हैं, उसमें रुकावटें आ रही हैं, और आज माइनिंग का काम भी ना करें उसमें भी सफलता नहीं मिल पा रही है। इस प्रकार से और सूर्यदेव आपकी राशि से आपकी राशि मकर से 7 और 8 में छठ में चल रहे हैं, 8वें सूर्यदेव है, 8वें सूर्य क्या कर रहे हैं, 8वें सूर्य स्वास्थ्य बिगाड़ते हैं और अनेक प्रकार की शंका कुशंकाओं में तो जिद्दी बनाते हैं, अनेक प्रकार के नुकसानदेह हैं। इस प्रकार से मकर राशि वालों के लिए मिला जुला फल इस सप्ताह में बना रहेगा। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन हरिओम।